लगभग 20 से 30 मिनट में एक तरफ एक घुटने का ऑपरेशन हम खत्म कर देते हैं। नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट के अंदर पेशेंट को 2 दिन के लिए आईसीयू में रखना पड़ता है। FT3D रीसर्फेसिंग में आईसीयू की कोई जरूरत नहीं होती। हमारे अमूमन पेशेंट जो ऑपरेशन करवाते हैं वो लगभग ऑपरेशन के 3 या 4 घंटे के बाद ही नए घुटनों पे खड़े होके चलना शुरू कर देते हैं। अभी मौजूदा वक्त में आपके पास कहां कहां से पेशेंट आ रहे हैं? हमारे पास दिल्ली से बहुत पेशेंट्स आते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, महाराष्ट्र के सांगली से, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, कुछ पेशेंट्स राजस्थान से। पेशेंट की जो खराब हड्डी होती है सिर्फ उसको ही निकाला जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को दोनों घुटनों की प्रॉब्लम है तो हम बड़ा सेफली और बहुत ही आसानी से हम दोनों घुटने का ऑपरेशन एक ही समय में कर देते हैं। लगभग 14-15 दिन के बाद वो बिना किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद लाइफ लॉन्ग छड़ी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। कितने साल तक ये सही रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ जाए? ये ऑपरेशन एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। अल्टीमेट सोल्यूशन का मतलब ये एक फाइनल ऑपरेशन है जिसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद 7 साल बाद मरीज को फिर से कोई और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सबसे जो जरूरी बात है, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, मरीज को ऑपरेशन के लिए कमर में एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी में जो चीरे का साइज होता है वो नॉर्मल ऑपरेशन के साइज, चीरे के साइज से लगभग हाफ होता है। के ऊपर चीरे को बंद करने के लिए हमने लोहे के टांके लगाने तक की भी जरूरत नहीं होती है। क्यों ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी आपके हॉस्पिटल में ही है और कहीं नहीं? ये जो आप टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहा हूँ, FT3D नी रिसर्फेसिंग, ये एक पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। जब भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि डायबिटीज़ का मरीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओबेसिटी, मोटापा तो नहीं है। जिन मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम या जिनका वज़न ज़्यादा हो या जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये ऑपरेशन ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। जो रोबोट के जरिए ऑपरेशन होते हैं उसमें और FT3D रीसर्फेसिंग में क्या फ़र्क है? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में भी पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है, पेशेंट को तकलीफ होती है और एपिडुरल इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से आज हम वही पुराने ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एक्यूरेटली कर पा रहे हैं।